हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। कल रांची में पार्टी की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसमें रांची में ही इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखने का एक बड़ा मकसद भी था। और इसमें आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, उनका टर्म पूरा हो रहा था, कार्यकाल पूरा हो रहा था। उसके बाद जो अगले 5 सालों के लिए जो चुनाव होना था वो रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे। पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था, कार्यकारिणी में उसको पारित करवाना था। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। और हम लोगों को शपथ भी दिलाया गया है कि इस मामले में हम लोगों को सजग रहना है, ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव पारित हुए पिछले कुछ दिनों में, जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जिस पे पार्टी का स्टैंड रहा, या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पे जो हम लोगों का स्टैंड रहा है। क्योंकि मैं खुद वक्फ बोर्ड के JPC का मेंबर हूँ, हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से मुस्लिम समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी कुछ कंसर्न्स थे, उसको हम लोगों ने JPC में रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके विचारों को सुना जाए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैं वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी का भी मेम्बर हूँ और उसमें जो अभी जहानाबाद में और मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा जो लैटरल एंट्री वाला जो मामला था जिसपे आरक्षण के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखा जाए, इस मामले को उठाया गया है और उस पर एक अलग से कमेटी भी अपनी तरफ से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे से कोई भी सरकारी नियुक्तियाँ होगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। साथियों, ये जरूरी है जानना कि लैटरल एंट्री की जब हमारी पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की ही बात नहीं करती है। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा हैं, उनके भी अधिकारों की बात करते हैं। उसमें जो EWS है, जो जिनको 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो आरक्षण के प्रावधानों में ये सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और खास करके जो झारखंड राज्य है जहाँ हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे लिए वहाँ MLA MP बने, हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों एक और भी मुद्दा है ये जिसपे अभी पीछे राहुल गांधी जी ने भी
कास्ट सेंसस पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने भी